हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ये सीरीज टू चल रहा है। सर, इस सीरीज में क्या होने वाला है आज? So, जैसे कि हम क्लाइंट्स नया ज्वाइन होता है तो हम क्लाइंट्स को जानते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका एज क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका फिटनेस गोल क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अभी रूपेश का चल रहा है, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सदलगा के पास एक छोटा सा विलेज है भैनाकोड़ी करके, उधर 2 किलोमीटर भैनाकोड़ी से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके, तो फिर मतलब जिम ज्वाइन करने का कैसे प्लान हुआ और आपका करियर गोल क्या है? मुझे पहले करियर में सब लोग करते थे गवर्नमेंट जॉब्स, मुझे लगा उसमें ही फ्यूचर है। अभी गवर्नमेंट जॉब लगा तो बस हुआ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब उसके बाद क्या करना है हमको, एक हेल्दी रहना चाहिए ना, इसलिए मैंने उधर एक लोकल का जिम ज्वाइन किया, लेकिन मुझे सेटअप नहीं आया उधर। इसके बाद मैंने सर्च किया चिकोड़ी में आके कौन सा अच्छा जिम है करके, अब बाद में पता चला मुझे एच ग्रुप फिटनेस से। तो यहाँ ज्वाइन होने के बाद रूपेश का हेल्थ चेकअप हुआ। फिर हेल्थ चेकअप मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेल्थ चेकअप मतलब एक फॉर्म रहता है जिसमें ये कितना रहना चाहिए करके, इधर इसका फोटो मिलेगा आपको, उधर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फिर पूरा मैं डिटेल ही बताऊंगा, या तो आप एच ग्रुप विजिट करोगे तो आपका भी हम चेक करेंगे। तो ऐसे रहता है, हेल्थ चेकअप करने के बाद हम इसको बताते हैं, इनको बताते कि आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना रहना चाहिए। वो वेट जो गेन करते हैं वो हेल्दी गेन के हिसाब से हम डाइट देते हैं। तो ये सब चीज़ इनके साथ सेकेंड डे पे होता है। सर ने मुझे बोले WHO के अकॉर्डिंगली आपका हाइट रहना चाहिए, आपका हाइट में 100 माइनस करना चाहिए। तो जैसे कि इनका वेट था 53, हाइट था 176 सेंटीमीटर, तो 176 सेंटीमीटर में माइनस अगर 100 करेंगे तो इजिकल टू डायरेक्ट लाया आंसर 76। तो इनका वेट रहना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंगली 76 केजी। तो फिर इनका 76 केजी, 77 केजी तक हम, अभी 77 हुआ है इनका, 1 केजी फिर से गेन हुआ है। तो ये जो हो रहा है गेन, ये हेल्दी गेन करते हैं, हम आपको अच्छे से डाइट दे के हेल्दी गेन करते हैं। तो ये सब इनके ब्लॉग में रहा, उसका भी पूरा डिटेल वीडियोस वगैरह मैं वीडियो एंड में आपको दिखा दूंगा कि इनका सेकेंड डे यहाँ पे कैसा रहा। फिर आइडियल वर्कआउट टाइम रहता है वेट गेन के लिए 45 मिनट्स। 45 मिनट से ज़्यादा आप वेट गेन का अगर गोल रहेगा तो 45 मिनट से ज़्यादा आप वर्कआउट मत करो, ज़्यादा आप डाइट पे ध्यान दो। उसके ऊपर आप ये तो भी आपको मसल लॉस ही होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहा है। और इसके आने वाले वीडियोस में पूरा फ्यूचर गोल्स, कितना क्या क्या किया है अभी तक, कंपटीशन तक कहाँ कहाँ चला गया है और कहाँ जाने वाला है, आपको पूरा डिटेल्स शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय। हमारा सेकंड